भुवनेश्वर में एक के बाद एक प्रसिद्ध जगहों की खोज करते हुए मैं पहुंचा था खंडगिरी गुफाओं के पास। भुवनेश्वर के आसपास सबसे प्रसिद्ध ये खंडगिरी गुफाएं लगभग 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। खंडगिरी का शिखर 123 फीट ऊंचा है। यहाँ पे 15 गुफाएं और बगल में उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं। इसमें कुछ नेचुरल एंड कुछ आर्टिफिशियल गुफाएं। ये बताया जाता है 2000 साल पहले ये सब गुफाएं जैन धर्म की सन्यासियों के लिए बनाया गया था। ओडिशा के प्रसिद्ध सम्राट महामेघवाहन खारवेड़ की प्रशस्ति यहाँ बगल में उदयगिरी हाथी गुफा में है। खंडगिरी के ये नवमुनि गुफाओं में आपको सारे जैन तीर्थंकर उनके आराध्य देवियों के साथ बड़ी सुंदर प्रतिमाओं मिलेगी। भारत के प्राचीन और ऐतिहासिक गुफाओं में ये शामिल यही गुफा में हर साल लाखों पर्यटक घूमने आते हैं। इतिहास के पन्नों पर नज़र डालें तो ये प्रतीत होता है कि जैन भिक्षुओं के रहने के लिए इन गुफाओं का निर्माण किया गया था। आपको बता दें कि इन प्राचीन गुफाओं की खोज पहली बार 19वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश अधिकारी एंड्रयू स्टर्लिंग ने की थी। खंडगिरी के गुफाओं में कुल 15 गुफा हैं, जिनमें तातोआ गुफा, अनंत गुफा, ध्यान गुफा, अंबिका गुफा और नवमुनि गुफा आदि प्रमुख है। हर साल माघ सप्तमी के दिन से यहाँ एक बहुत बड़ी मेला का आयोजन होता है। ये मेला खंडगिरी मेला के नाम से कहा जाता है, जो 12 दिन तक चलता है और इस मेला के दौरान देश के हर जगह से सैकड़ों साधु संन्यासी यहाँ पे आते हैं। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको इस मेला के बारे में बताऊंगा। खंडगिरी के ये गुफाओं के बीच एक प्रसिद्ध पुराना हिंदू मंदिर भी यहाँ है। खंडगिरी के टॉप से ये उदयगिरी के प्रसिद्ध गुफाओं का नज़ारा। खंडगिरी हिल के सबसे ऊपर ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ये दिगंबर जैन टेम्पल जैन धर्म का मंदिर है। बंगाल बिहार और ओडिशा दिगंबर जैन तीर्थंकर कमेटी ये मंदिर का देखरेख करते हैं।